नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव मामले को लेकर अब ये पूरा मामला चूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मध्यप्रदेश की राजनीति में बवाल मचाता हुआ दिख रहा है और बड़ा ही तेजी से ये मुद्दा जो है अब प्रदेश भर में छाया हुआ है। अगर बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्यप्रदेश में निकल रही है। खासकर अगर बात करें तो नीमच से इसका मालवा में आगाज किया गया था, जहां पर हरी झंडी राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उन्होंने दिखाई थी। उसके बाद इसकी जिम्मेदारी, मालवा की जिम्मेदारी केराजीर को दी गई थी और तमाम ये नेता उनके साथ मौजूद थे। जब ये जन आशीर्वाद यात्रा का रथ रामपुरा पहुंचा तो वहाँ पर अचानक ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पूरा मामला पशुपालक जो थे उनका विरोध था कि जो चीता प्रोजेक्ट लाया गया और तार फेंसिंग की गई है उसे लेकर उनकी नाराजगी थी। इस मामले को लेकर लगातार ग्रामीण स्थानीय विधायक से मिल रहे थे, मांग कर रहे थे, चीता प्रोजेक्ट है उसका विरोध कर रहे थे। एसपी कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे थे और इस पूरे मामले को अवगत कराया था, लेकिन किसी भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी और नेता ने इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद नतीजा ये रहा कि जन आशीर्वाद यात्रा पर इन ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताया और पथराव कर दिया। जिस तरह की तस्वीरें लगातार रात से हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है और दिल्ली तक जा पहुंचा है, दिल्ली के बड़े नेताओं तक जा पहुंचा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है। कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिलता हुआ दिख रहा है पूरे विधानसभा चुनाव में। साथ ही बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो रणदीप सुरजेवाला है, जो मध्यप्रदेश की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि नीमच मध्यप्रदेश का ये वीडियो तकलीफदेह है पर धरातल की असलियत भी दर्शाता है। इस तरह की बात कही है और भी कई बात जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है। जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी पोस्ट किए। उन्होंने भी जो इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का जनता स्वागत कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो फेसबुक पेज है उस पर भी मामले को ट्वीट किया गया है। जनता ने दिखाया है बीजेपी को आईना, 18 साल तक मध्यप्रदेश की जनता को लूटने और जनता पर अत्याचार करने के बाद वोट मांगने पहुंची बीजेपी की यात्रा में जनता ने बदला लिया, अब की बार पलटवार। इस तरह का बात जो है फेसबुक और ट्विटर पर लिखी गई है। लगातार ट्विटर और फेसबुक के जरिए पोस्ट की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बड़े नेता घेरते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, दिल्ली भोपाल तमाम जो बड़े राजनेता दल है उनके पास ये मामला जा रहा है और लगातार मध्यप्रदेश में ये मामला छाया हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस तरीके अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।